देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में साइक्लोहेक्सेनॉन लिया हुआ है और इस तरह से देखिए एक इथाइलिन ग्लाइकोल टाइप का सिस्टम है, ठीक है। तो हम जानते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन और इथाइलिन ग्लाइकोल जब आपस में रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन कर लेते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं इस तरह से। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने में मिला लेगा, ठीक है, मतलब इस पर अटैक करके एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो है OH प्लस, तो ऑक्सीजन पर तीन बॉन्ड बनेगा, तीन बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए गौर से यहाँ पर, तो ये OH है और ये भी OH है और यहाँ पर भी एक और OH है। तो सबसे पहले नंबर क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो OH ग्रुप है ये क्या करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा, ठीक, अटैक करके और यहाँ से OH जोड़ लेगा। तो जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, इस तरह से एक ये इधर OH है ही और इधर से देखिए O और ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पर देखिए एक OH और है, इसी प्रकार से एक OH और है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर भी H है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये जो ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाया, सबसे पहले हमें इस प्रोटॉन को यहाँ से हटाएगा, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ये, तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा OH2 प्लस बना लेगा, ठीक है। तो OH2 प्लस बनाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्यों, क्योंकि H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा तो इस ठीक बगल वाले वाले जो ऑक्सीजन है ये दोबारा अटैक करेगा और अटैक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ इस तरह से साइक्लो हेक्सेनॉन है और यहाँ पर एक ओ ऐसे जुड़ जाएगा और एक ओ ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक कार्बन से ये जो है ओ एच एक कार्बन लेकर इस तरह से ओ एच ऐसे बना हुआ रहेगा, भाई दो कार्बन का ओ एच तो डायरेक्ट जुड़ गया और एक कार्बन का जो है ओ एच अलग से इस तरह से दिखेगा अपने को, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है आगे प्रोसीड करके बताता हूं कि क्या अब आंसर होना चाहिए। देखिए इस तरह से ये बन गया। अब बनने के बाद क्या होने वाला है कि अब देखिए अगला प्रोडक्ट देखिए, एस डबल बोन, यहां डबल बोन, फिर उसके बाद ओ एम ई दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी ओ एम ई दिया हुआ है। अब आपको जानकारी के लिए बताऊं कि सल्फर जो है, सल्फर भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ऑक्सीजन के ही जैसा, इसी के ग्रुप का है, और तो और सल्फर और ऑक्सीजन में जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी सल्फर का ज़्यादा होता है साइज के हिसाब से। अब देखिए ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसके ऊपर तो अटैक करेगा नहीं, ठीक है। तो अब करेगा कहाँ पर, तो एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में जो ईथर है ना ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये इधर जो है रिएक्शन करता है, तो सबसे पहले नंबर क्या करेगा, ये मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना के यहाँ पर तीन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तीन बॉन्ड बना लेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस मिथाइल पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो फाइनली बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से साइक्लोहेक्सेनॉन होगा, इधर जो है देखिए प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन रह जाएगा, ठीक है, और इधर इस कार्बन से ओ और उससे कौन जुड़ गया, जाके एम ई जुड़ गया, ठीक है, उससे एम ई जुड़ गया, और साथ ही साथ इधर देखिए क्या मिला, एच डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई मिल गया और इधर से क्या मिल गया बच्चों, ओ एच मिल गया, ठीक है। तो यही दोनों इसका प्रोडक्ट होगा। अपने से जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पूछा है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।